Where should you learn graphic designing? From YouTube or from online courses? तो ये basically एक छोटी सी वीडियो और इस छोटी सी वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि graphic designing कहाँ से सीखना बेहतर होगा, graphic designing YouTube से सीखे या online courses से सीखे। तो इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा introduction दे दूँ आपको। मेरा नाम सारिव है और मैं graphic designing कर रहा हूँ 5 साल से, और उसी के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन भी कर लेता हूँ। और साथ ही साथ अब थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे 3D में आया है, तो 3D के ग्राफिक्स भी बना लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी और कितना टाइम लगा, क्या मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था इन चीज़ों को सीखने के लिए, तो मेरा जवाब है नहीं। मैंने सिर्फ ये चीज़ें जो सीखी है सिर्फ यूट्यूब से सीखी है। यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिनसे मैं सीखा हूँ, और उनको सीखने के लिए मैंने कम से कम 6 से 7 महीने लगाए थे, और अभी तक भी मैं सीख ही रहा हूँ। जो जो मुझे सीखना है मैं सिर्फ सीधा जाता हूँ यूट्यूब पर और वहाँ पर सर्च करता हूँ, वहाँ पर ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो अभी बेसिकली इन दिनों मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है 3D ग्राफिक्स में। मैंने क्या करा, सीधा ब्लेंडर डाउनलोड कर लिया और ब्लेंडर में 3D ग्राफिक्स बनाना चालू कर दिया। अब वहाँ तो मुझे कोई बताने वाला है नहीं था, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है कि वो 3D में मुझे कुछ समझा सके जिससे मैं पूछ सकूँ। तो अब क्या मुझे ऑनलाइन कोर्स लेना ज़रूरी है इसके लिए? नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा यूट्यूब पर जाता हूँ और वहाँ पर सर्च करता हूँ ट्यूटोरियल अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होता है तो मैं ऑनलाइन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, सबसे पहले मैं यूट्यूब पर ही देखता हूँ। और यूट्यूब पर ना हर किसी के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा बस क्या करना पड़ता है आपको, शुरू में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का बेसिक सीखना पड़ता है, जो कि हर कहीं मिल जाता है फ्री में। तो आप बेसिक सीख लो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी चीज़ का बेसिक सीख लो, उसके बाद आप क्या करना, ट्यूटोरियल उसके देखने शुरू कर देना। तो उसी तरीके से मैंने ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ यूट्यूब से सीखी है। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ऑनलाइन कोर्स अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि YouTube पर पहले ही अवेलेबल है। जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, उनका बेसिक जो सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है पूरे YouTube पर, वो अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में, जो आपको GFX Mentor चैनल पर मिल जाएगी। मैंने भी उन्हीं से सीखा था, उनका जो बेसिक है फोटोशॉप का वो सबसे पहले वहीं पर देखा था। उसके बाद मैंने जितने भी YouTube पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है बैनर डिज़ाइनिंग के, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, सब स्टेप बाय स्टेप मैंने YouTube पर ही देखे थे। और जो मैं 3D अब सीख रहा हूँ, 3D मैंने बेसिक जो सीखा है यूट्यूब से सीखा है, एंड जो ट्यूटोरियल्स मैं देखता हूँ वो कीलन जोन इनका नाम है, इनके मैं 3D ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, जिनसे मुझे काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे 3D ग्राफिक्स में चीज़ें होती है। सो वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।